हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन में उसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ डू वेबसाइट वर्क। तो जैसा कि पिछले वीडियो में इंटरनेट के बारे में हमने जाना था कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है और इसके अंदर HTML, CSS और JavaScript का क्या रोल होता है। तो एग्जैक्टली वो हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, वो चाहे गूगल क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स, इनमें से कोई भी ब्राउजर वो हो सकता है। तो ब्राउजर यहाँ पर हमारी हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट को हमारे कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के अंदर देखने के लिए या उसको डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद आती है सबसे मेन फाइल्स, जिसको हम कोड फाइल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तीन तरह की कोड फाइल पर वर्क होता है और जिनसे मिलके की कोई भी वेबसाइट बनी होती है, जिसमें आप यहाँ पहले देख सकते हैं HTML, CSS और JavaScript, जिसको शॉर्ट में JS भी बोलते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS का होता है कैस्केडेड स्टाइलिंग शीट, और JS का जैसा कि मैंने आपको बताया JavaScript। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर HTML का क्या रोल होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम एक कोई घर बनाते हैं तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन बनाना होता है, तो उसी टाइप से किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर या उसका डिजाइन जो है वो HTML के अंदर बनता है। यानी कि उसके अंदर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, इमेज लगानी है या फिर कोई आप बटन लगाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो HTML में हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है कि अगर जैसे हमने घर का डिजाइन वगैरह बना लिया है, उसकी आउटलाइनिंग सब चीज हो चुकी है, तो उसके बाद हमें उसके अंदर स्टाइल करना होगा, उसको डेकोरेट करना होगा, उसके अंदर पेंट करना होगा। तो वो सारी चीजें कहाँ होती है, यानी कि वेबसाइट को पूरा डिजाइन करने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए CSS का उपयोग होता है, उसको पेंट करने के लिए, अलग अलग कलर्स उसमें लगाने के लिए। फिर यहाँ पर थर्ड फाइल की बात करते हैं, जो कि होती है हमारी JavaScript। तो घर तो हमने बना लिया, उसको डेकोरेट भी कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, बल्ब्स वगैरह लगाएंगे, तो उनको फिट करने के लिए पूरे वायरिंग जो लगेगी, तो वैसा ही काम कुछ वेबसाइट के अंदर करने के लिए हम JS का उपयोग करते हैं, यानी कि JavaScript का। तो JavaScript एक्चुअल में मदद करता है कि वेबसाइट को एक्चुअल में वर्क करने के लिए, जिस काम के लिए वो वेबसाइट बनी है वो काम वो कर पाए, कोई भी फीचर उसके अंदर ऑनलाइन हम यूज कर सके। तो फ्रेंड, जैसा यहाँ पर अब मैं आपको एक डेमो बताता हूँ कि सबसे पहले अगर हम HTML फाइल को अगर रिसीव करते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का लोगो है और एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है और नीचे दो बटन है। फिर लेकिन जैसे ही हमें CSS फाइल भी मिलेगी और हम डाउनलोड करेंगे CSS फाइल को, यानी कि हमारा ब्राउजर डाउनलोड करेगा, तो ये जो वेबसाइट है वो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी, यानी कि इसका पूरा लुक जो है वो अलग दिखने लगेगा और बढ़िया दिखने लगेगी। और इसके बाद जो थर्ड फाइल होती है JS, यानी कि JavaScript, जब ये फाइल अगर हमें डाउनलोड में मिल जाएगी हमारे ब्राउजर के अंदर, तो उसके बाद हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं और वेबसाइट का उपयोग हम कर पाएंगे और कोई भी हमारी जो सर्च क्वेरी है हम उसके अंदर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डेमो बता रहने वाला हूँ आपको, यहाँ देख सकते हैं कि हम एक वेबसाइट पर आ गए हैं। ये वेबसाइट का नाम है techcrunch.com। तो यहाँ आप देख सकते हैं techcrunch.com पे आ गए हैं। तो ये अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि techcrunch एक वेबसाइट है जिसपे आप कोई भी टेक्निकल न्यूज, लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो वेबसाइट के कोड मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर जो HTML, CSS और JavaScript के कोड है वो में दिखने में कैसे होते हैं, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और इसके बाद इंस्पेक्ट पर क्लिक करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सारे कोड जो है वो देख पाएंगे। इस टाइप के कोड से मिलकर पूरी जो वेबसाइट HTML, CSS और JavaScript के जो कोड होते हैं उनसे मिलकर ये वेबसाइट बनी होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जहां जहां मैं जिस कोड पे कर्सर को पॉइंटर को ले जा रहा हूँ, तो वो यहाँ पर ऊपर की तरफ हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि वो बता रहा है कि हाँ आपने इस टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम कुछ इसको एडिट करना चाहें, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट अस HTML पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपको चेंज करके बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपना नाम एंटर कर दिया और इसको फिर यहाँ से क्लोज किया हमने, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं और किसी भी अपने फ्रेंड को आसानी से प्रैंक कर सकते हैं कि देखिए TechCrunch पर मेरा नाम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए वापस से यहाँ पर जो है वो पहले का नाम जो है वो आ गया है, क्योंकि हमने जो इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चेंज किया था, वो हमने इसकी लोकल कॉपी को चेंज किया था, न कि इसके सर्वर के अंदर जो कॉपी थी उसको। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।